नमस्कार जय उत्तराखंड सर, मेरा नाम दिलीप है। मैं ये चाहता कि हम लोग यहाँ 27 तारीख को दिल्ली से लाए गए थे, क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन 27 तारीख से लेकर अभी तक हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें 14 दिन से आज 17-18वां दिन हो गया, लेकिन हमें सुनने को कोई तैयार नहीं है। ना तो कोई प्रशासन का हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई प्रशासन से हमसे पूछने को तैयार है। आखिर हमें परेशानी क्या है? हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं सबके सब स्वस्थ हैं, एकदम ठीक है, लेकिन हम लोगों में जो बेफिजूली खर्चा ये किया जा रहा है गवर्नमेंट का, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें जबरदस्ती जानबूझ के यहाँ क्यों कैदी करके रखा जा रहा है और क्यों हम पे इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है कि हमें जबरदस्ती हमें खिलाना पिलाना हमारे लिए कर रही है, लेकिन जो हमें ढंग से प्राप्त नहीं हो रहा। हम सफाई के लिए रात दिन बोल रहे हैं, उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये हमें बीमार करना चाह रहे हैं, हमारे पास हैंड वॉश नहीं है तो वो बोल रहे हैं। तो उस चीज के लिए जब गवर्नमेंट हमें एक रूल बता रही है, ऊपर से गवर्नमेंट के लोग हमारे ढंग से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, ना तो हमें सम्मान ही दे रहे, ना हमें घर ही जाने दे रहे, और ना ही हमसे कोई मिलने आ रहा है, ना हम किसी से कुछ कह पा रहे हैं। हमें ये तो बता दीजिए हमें फंसाया क्यों है और क्यों रखा गया है। और मेरे साथ साथ इतनी लड़कियां हैं जो रात दिन रोने में है, रात दिन समझ में है, इन ब्रिज को ये नहीं पता अभी तक कि इनका कसूर क्या है, क्यों रखे गए। अगर हमें कोई बीमारी है तो आज ये 18वां 20वां दिन जो हमारा चल रहा है उसमें कुछ तो पता लगता, किसी को कुछ तो होता। जब सब कुछ ठीक है, कोई तैयार है, एकदम स्वस्थ है, फिर भी हमें यहाँ रखा गया और कोई हमारे को सुनने को नहीं आता, ना हमसे कोई प्रशासन वाला बात करता है, ना हमसे कोई बड़ा अफसर आकर बात करता है। अब इन लड़कियों से समस्या सुनिए आप, इन लड़कियों को क्या क्या समस्या है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे गर्ल्स हैं तीनों, हम यहाँ पे सिस्टर हैं, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, बट हम किसी को हर कोई प्रॉब्लम शेयर तो कर नहीं सकते। गर्ल्स हैं तो प्लीज हमको 18 डेज, हमें 14 डेज हम यहाँ पे रहे, मतलब जैसे नियम के अनुसार हमने प्रॉपर तरीके से हम यहाँ रहे हुए हैं, उसके बाद 18 डेज हो गए तो हमें यहाँ से निकालो प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम गर्ल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, नाइट में हमें यहाँ पे रूम पे रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत डर लगता है, तो हम कहाँ जाए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। हम कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, एक्चुअली हम यहाँ पे किसी को बोलते हैं तो ये लोग सारे बोलते हैं कि आगे कार्रवाई होगी, और आगे वाले बोले प्रशासन वाले आगे वो देखेंगे, क्योंकि कोई भी हमारी पॉइंट्स ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है, हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है। और यहाँ पे हमें 18 दिन कम्प्लीट हो चुका है, 18 दिन कम्प्लीट होने 18वां दिन है आज, और हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमसे पहले 14 डेज वाली 4-5 लड़कियां थी उनको निकाला गया, क्योंकि उनकी आगे पहचान थी, उनके आगे मंत्रियों से उनकी कॉलिंग थी, देन उनका घर वालों का रिलेशन अच्छा था तो उनको निकाल दिया गया, और हमें 18 दिन हो गया तो हमें क्यों नहीं निकाल रहे हैं। एक्चुअली हमारे कहीं पर मतलब पहचान नहीं है या क्या नहीं है, हम जिसको कॉल करें सब बोल रहे हैं हमारे हाथ में नहीं हमारे, तो कौन करेगा, हमें रखा क्यों है फिर यहाँ पे, अगर किसी की बस की है ही नहीं तो क्यों रखा है हमें यहाँ पे, निकालो हमें यहाँ से, जाने दो ना यहाँ से हमें। जब 14 डेज हो गया, कोई भी इसमें से बीमार नहीं है, या तो बीमार होने चाहिए, हम लोग बीमार भी नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे, कोई किसी। अब ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनके भी आप सुन लीजिए, ये भी परेशान है कि हमको यहाँ से छोड़ा जाए, हमारे बच्चे परेशान हैं, बीमार है, हमसे यहाँ नहीं रह जाएगा बस। अब इन बुजुर्गों के आंसू की अगर किसी को कदर है, अब कोई प्रशासन हमारे इन आंसू की इन बातों की कुछ कदर करता है तो हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हम इतने दिन यहाँ पर सजा काट रहे हैं, किस बात की काट रहे हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें बीमार घोषित कर दो आप, जो सजा देना चाहो वो दे दो आप, हमें मंजूर है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि हम जब स्वस्थ है सब कुछ ठीक है तो पैसा सरकार हम पे लगाने से अच्छा किसी गरीब पे क्यों नहीं लगाती पैसा, किसी जो गरीब जिनको खाना नहीं मिला उनको लगाओ ना पैसा। अरे हम तो स्वस्थ है, हम तो अपना मिट्टी खोद के भी कुछ ना कुछ तो भूमि देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर सबके सब यही चीज समझ में नहीं पा रहे कि हम लोग को खाना पीना जो भी आप बोल रहे हो, जैसा भी आप बोल रहे हो, आखिरकार ऐसी क्या बात होगी कि हमारी प्रशासन को सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कोई अफसर आने को तैयार है, ना कोई प्रशासन हमारी सुनने को तैयार है। किसी से भी अगर हम बात करें तो उनका जवाब उल्टा ही रहता है, उनका जवाब हमारे पक्ष में होता ही नहीं। हम लोग यहाँ क्वारंटाइन के लिए हल्द्वानी में रखे गए हैं, हमको आज 18 डेज हो गए हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही हमारे ऊपर कि कब जाएंगे क्या करेंगे करके, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमारी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है, हम घर जाएं नहीं जाएं ये उसका डिसीजन लोग अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको जल्दी से जल्दी घर ले जाए।